नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यदेव न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है। पीएम मोदी ने काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इसका शुभारंभ किया गया है। अब काशी के लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकेंगे, वहीं गुजरात के लोग काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का दर्शन कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने देश के 8 शहरों से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ट्रेन की सौगात दी है। काशी विश्वनाथ से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली महामना स्पेशल सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी इनमें से एक है। वाराणसी के कैंट इस रेलवे स्टेशन से चलकर केवड़िया स्टेशन तक का सफर है। ट्रेन तय करेगी, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इसके चलने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के यात्रियों को फायदा मिलेगा। गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन देश के सबसे खूबसूरत स्टेशन है। इस ट्रेन के संचालन होने से अब पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी सीधे जुड़ गया है। 1614 किलोमीटर का सफर तय कर यह महामना एक्सप्रेस अगले दिन सुबह 9:15 पर केवड़िया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और अगले दिन मंगलवार की सुबह ये वापस रवाना होगी। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विधिका जायसवाल है। विधिका जी, कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाने वाली हैं आप? ये वाराणसी से केवड़िया जाने वाली ट्रेन है और वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मोदी जी ने हमारे नया बनवाया है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उसको देखने, और ये ट्रेन स्पेशली वहीं के लिए बनाई गई है। अच्छा, कितना अलग है ये ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में, कितना खास है, कितनी साफ सफाई है, क्या क्या अत्याधुनिक चीज़ें हैं इसमें? ये ट्रेन बहुत ही साफ सुथरा है। वैसे तो ये नई ट्रेन है, वैसे भी बहुत कुछ इसमें अलग, इसमें बाथरूम बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्थाएँ की गई हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेन कितना ज़्यादा सजाया गया है। तो ये ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरा है और इसमें प्रॉपर तरीके से शीशे वैसे लगे हैं जिससे कि ठंडी वंडी ना लगे। कितनी सहूलियत होगी लोगों को? देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी ने विश्व स्तर पर भारत का कई जगह सम्मान बढ़ाया, उसी के तर्ज पर गुजरात में जो सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है वह विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। यानी जिसे लोग कहा करते थे कि लिबर्टी ऑफ स्टैचू है सबसे ऊंचा है, आज भारत का यह मूर्ति उससे भी ऊंचा निकला। पूरे देश को फख्र होता है, पूरे देश को गर्व होता है और सभी को वहाँ जाने की इच्छा होती है। सरदार पटेल का इतिहास, सरदार पटेल जी का एक्शन आज पूरे अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को मिला के भारत में विलय कराए थे। लोगों का उनके प्रति सम्मान है, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन नहीं था। यानी जहाँ ये बनाया गया यह क्षेत्र आदिवासियों का था केवड़िया, और उस क्षेत्र में जाने के ट्रेन नहीं था, बहुत इसकी मांग थी। आज माननीय मोदी जी ने पूरे देश के 8 शहरों से केवड़िया के लिए नई ट्रेन चलाए हैं और सबका एक साथ निकाले 11 बजे। जो लोग वहाँ आप जाना चाहते हैं, इसकी इच्छा होती है, सरदार पटेल की शायद मूर्ति के साथ साथ जो विश्व रिकॉर्ड की ऊँचाई वाली मूर्ति है जहाँ पर तमाम चीज़ें देखने लायक है, उसको उद्घाटन किया गया है, उनसे बनारस वालों को काफ़ी लाभ होगा। इस केवड़िया वाराणसी ट्रेन से बनारस में यात्री भी आएंगे और यहाँ के लोग भी यात्रा करेंगे, उससे पूरे देश की आर्थिक विकास होती है। केवल आर्थिक विकास नहीं, एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है और लोग घूमते हैं, पर्यटन करते हैं, जन करते हैं।